ये चलते हैं। इस गांव में यहाँ देखो कितना सारा। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम जोशी उत्तराखंड पौड़ी से मैं फिर से आ गई अपने न्यू ब्लॉग के साथ। और आज मैं जा रही हूँ अभी बैंक, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि आज मार्केट भी जाना है, बैंक भी जाना है, तो थोड़ा काम है, तो मैं आपको दिखाती हूँ बैंक में। तो अब आ गए हम रास्ते में, अब हम जा रहे हैं यहाँ से मार्केट। तो ये चलते हैं हम स्कूटी में। तो अब आ गए हम बैंक ऑफ इंडिया में, तो यहाँ हमारा काम है, थोड़ा पैसे वैसे ट्रांसफ़र करने थे। तो ये रहा बैंक इंडिया और ये रहा सर्किट हाउस, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब पहुँच गई हूँ मैं बैंक में, तो ये रहा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये है बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ मैं जा रही हूँ अंदर। तो बैंक का काम कर दिया है हमने, अब बैंक का काम करके हम गए मार्केट। तो ये रहा पौड़ी बाजार, ये देख सकते हैं आप। और अब हम जा रहे हैं टेका की साइड, वहाँ का व्यू मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ पे क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देख सकते हैं आप, ये हॉस्पिटल है नीचे, यहाँ पे नीचे हॉस्पिटल का ये है, देख सकते हैं आप। ऊपर ऊपर का भी मैं आपको दिखाती हूँ, चलो ऊपर। ये आप देखिए यहाँ का व्यू, ये देख सकते हैं आप, ये रहा। यहाँ ऊपर भी एक हॉस्पिटल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये महिला हॉस्पिटल है, नीचे भी है वो, ये पहले सरकारी था, अब ये इंद्रेश हॉस्पिटल बन गया है, इंद्रेश ने इसलिए लिया है। ये देख सकते हैं आप, ये है महिला हॉस्पिटल। अब आ गए हम कंडोलिया, अब जा रहे हैं हम। ये वाली टेका वाली रोड है, यहाँ पर बहुत ठंडा है, बहुत हवा यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे यहाँ पे भी वैली पॉइंट कुछ बन रहा होगा, जैसे कोई घूमने के लिए आते हैं तो वहाँ पे बैठ के आराम से बैठ सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, जैसे बैठ सकते हैं। ज़्यादा अच्छे हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, यहाँ पे भी बन रहा है, कितने सारे वैली पॉइंट बन रहे हैं नहीं इधर, बहुत सारे बन रहे हैं। यहाँ पेड़ ही पेड़, चीड़ के पेड़ और घास के, यहाँ ज़्यादातर वैली पॉइंट ही दिखाई दे रहे हैं ना, कितने सारे बने हुए हैं, ये देखो बहुत सारे बने हुए, डबल स्टोरी है। तो ये इतने सारे बने हुए हैं, जो पिकनिक मनाने के लिए आते हैं वो यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें लाते हैं और पूरा फैला देते हैं। तो हम यहाँ से जा रहे थे टेका, तो रास्ते में आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इधर धूप भी बहुत अच्छी है, इधर की साइड दिखाओ, ये गांव है, इधर की साइड है गांव, ये तमलाग गांव है नीचे, उधर की साइड दिखाई नहीं दे रहा है पेड़ों की वजह से। और यहाँ पे बहुत सारे चीड़ के पेड़ हैं, आपको पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे यहाँ पे, क्योंकि हम हैं उत्तराखंड पौड़ी में, और पौड़ी में ज़्यादातर ऐसे ही पेड़ वगैरह यही दिखने को मिलते हैं, बाहर पे तो होते नहीं हैं, लेकिन लोग यहाँ बहुत सारे घूमने के लिए आते हैं यहाँ, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है उन लोगों को। हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, बोलते हैं कि ये टेका का धारा है, गांव में होते हैं ना धारा, तो ये धारा है। आज तो यहाँ पे पानी की बूंद बूंद टपक रही है, लेकिन ये पानी इतना अच्छा है, जड़ी बूटी जैसे ऊपर बांज के पेड़ हैं वहाँ का ठंडा पानी यहाँ पे आता है। वैसे इस टाइम यहाँ पे तो ठंड ही है, लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं तो लोग, मैंने बहुत लोगों को देखा है गाड़ी से उतर के और यहाँ पर पानी भरते हैं बॉटल और तब ले जाते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर लगता है। अब मेरे हस्बैंड बता रहे हैं पानी के बारे में, ये देखिए मोटा पानी है, उसमें लकड़ी घुसा रखी थी ना, ये देखिए कैसा पानी है, ये बांझ का पानी है, ठंडा है ना, बांझ की जड़ का। अच्छा, ये बहुत ठंडा पानी है यहाँ पे, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप कितने सारे पेड़ ही पेड़ हैं, और ये देख सकते हैं आप लोगों को, देखो यहाँ देखो कितना सारा कचरा कर रखा है यहाँ पे,
जो खाने के लिए आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं ज़्यादातर लोग यहाँ, और यहाँ पे कचरा फेंक के चले जाते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से टेका है 1 किलोमीटर, अब हम पहुँचने वाले हैं टेका। टेका का जो मैं आपको दिखाऊंगी कैसा है टेका, जहाँ लोग बहुत सारे लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं पिकनिक मनाने। गर्मियों में तो लगभग पौड़ी इतना फुल रहते हैं, बाहर के लोग ज़्यादातर यहीं आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ ठंडा मौसम है और ठंडियों में यहाँ के लोग चले जाते हैं बाहर, जैसे देहरादून दिल्ली, जहाँ जिसके रिश्तेदार होते हैं या जिन्होंने दो दो घर बना रखे हैं ये वहाँ चले जाते हैं, देहरादून ज़्यादातर लोग जाते हैं। तो ये अब पहुँच गए हम टेका, ये देख सकते हैं, यहाँ देखिए आप, यहाँ से दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे गांव। अब तो गांव-गांव में रोड पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं आप, हर घर पे रोड है, गांव-गांव में हर घर पे देख सकते हैं आप। और ये किवर्स गांव है, और ये किवर्स गांव है, किवर्स गांव के अगल बगल देख सकते हैं आप, आगे वो परसुंडा खाल। अच्छा, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे है परसुंडा खाल। और ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा गाँव लग रहा है, बहुत सारी यहाँ पे खेती है, रोड गाँव के अंदर जा रखी है, और बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है। ये देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे लोकेशन, तो आप देख सकते हैं। इस गांव में आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, ये मैं जूम करके बता रही हूँ, ये लकड़ी पे घास लगा रखी है सबने, जो मतलब इस समय घास काटी होगी जिन्होंने, वो लकड़ी पे लगा दी सूखा के, उसके बाद वो ठंडियों में उनको खिलाएंगे। ये देख सकते हैं हम, बहुत सारे यहाँ पे हैं, गांव में खेती भी है और लकड़ियों पे घास भी लगा रखी है। कितना प्यारा गांव ये लग रहा है यहाँ से देखने में ही, बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर आज मैं और मेरे हस्बैंड आ रखे हैं, तो हम टेका में आज घूम रहे हैं, अब हम जा रहे हैं। वापिस कन्नौलिया, और कन्नौलिया से जाएंगे हम घर, क्योंकि आने वाले हैं बच्चे 2 बजे पे, तो 2 बजे तो आ जाएंगे, देख सकते हैं। थोड़ा आगे जाके हैं, इधर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, तो अच्छा लग रहा है इधर की साइड, देख सकते हैं आपको पूरा दिखाएंगे इधर का व्यू। ये आ गए हम पार्क के सामने, और पार्क तो आधा घंटे का यहाँ से है, लेकिन गाड़ी में तो 10 मिनट का ही होगा, आगे भी पहुँचते हैं घर में, देखते हैं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कर रही है मम्मी जी, और देखते हैं। तो ये उसके ऊपर जहाँ पे बहुत सारा पाला पड़ा रहता है, ये देख सकते हैं हम, यहाँ पे कितना गीला हो रहा है, इतना खतरनाक यहाँ पे बन जाता है, दिसंबर के महीने में यहाँ पे इतना जम जाएगा, वाइट हो जाएगा, फिर उधर से गाड़ी आना जाना थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो नीचे एक लगे अपने मोहल्ले में, ये हमारा मोहल्ला है, क्योंकि मोहल्ला बहुत ही फेमस मोहल्ला है, वीआईपी मोहल्ला बोलते हैं जिसे, बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है कि देखिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक दुकान भी खुल गई है हमारे नज़दीक, तो अब मैं पहुंच चुकी हूं घर। ये देखिए घर में आ गई मैं, और घर में मैं दिखाती हूं, मुझे रास्ते में मिला सब्जी वाला, तो मैं दिखाती हूं कि सब्जी क्या क्या मैं लेके आई हूं, देखेंगे आप। तो आ गई हूं मैं घर, मुझे रास्ते में मिला एक सब्ज़ी वाला, ये देख सकते हैं आप, सत्य खाओ से जो ला रहा था, 2 थे वो, उन्होंने पैक करके ताज़ी सब्ज़ी मुझे दी, ये देख सकते हैं आप। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको कितनी ताज़ी यहाँ पे सब्ज़ी मिल रही है, मतलब तो मार्केट से मैं घर आई, मार्केट में तो मैंने ली नहीं, मुझे घर पे बहुत अच्छी लगी बीन्स, ये देखिए बहुत अच्छी लग रही हैं, ताज़ी हैं बिल्कुल। देखो अगर किसी को लेनी होंगी, अगर कोई मेरा ब्लॉग देख रहा होगा तो ये देख सकते हैं आप, सत्यखाल में ताज़ी सब्ज़ी मिलती है। और ये 1 किलो में वो शिमला मिर्च भी लेके आई, ये देख सकते हैं आप। तो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगती है, तो मैं आगे भी बनाती रहूँगी, तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, जितने भी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो आप मुझे बताइएगा। तो कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।